बाय 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 मेघना को छोड़ के घर पे सोसाइटी के अंदर है या उतर ही नहीं सकता कैसे हो भाई? I'm good, how are you? आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. All good, all good. सर ऐसे यार. Looking like good. Thank you. Looking like good या looking like a wow? Wow. Black color wow. Yeah. Blue color wow. बहुत गर्मी लग रही है मेरे को यहाँ पे आने के बाद. और हमको आपको देख के. अरे मेरी जान. तेरे को क्यों गर्मी लग रही है मेरे को देख के भाई? भाई आपके ढोले सो रहे थोड़ा जलस तो होगा. हमारे बन नहीं रहे आपके इतने जल्दी अच्छे बन भी गए थोड़ा तो दिखाई दो बोल दिया तो अरे देखने का क्या है. मैं भी कश्मीर से वापस आया 4 महीने के बाद. ओके तो फिर तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा होगा. पश्मीना का शूट चल रहा था वहाँ. जस्ट फिनिश्ड दैट एंड नाउ वी हैव अ बॉम्बे शेड्यूल लेफ्ट. वो खत्म करने के बाद देन पश्मीना सीजन 1 विल बी ओवर. बाकी आप लोग जौहरी देख रहे हैं क्या? एमएक्स पे जो है मेरा. हां हां देख अच्छा लग रहा ना. थैंक यू. हीरे के परक जौहरी को होते हैं सामने खड़ा हीरा. चलो तो बाइट करते हैं. बाइट करते हैं जल्दी आओ भाई हम लोग चालू करते हैं. हाँ भाई इधर आ जाइए. हाय निशान जल्दी ला भाई. गाइस हम लोग शुरुआत कर लेते हैं उनको आने दो. शुरुआत कर लेते जल्दी ला. थोड़ा ऊपर करो. चलो रेडी रेडी रोल. घूम ऊपर करना. ऊपर कर ठीक है. हाँ रोल ऑलवेज ऊपर करना. सर जोरी तो चारों तरफ अपना चमक दिखा रहा है. क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी. बहुत मेहनत किया मैंने इस रोल के लिए. मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट रोल था. सबसे डिफरेंट रोल था. और जितना प्यार मिल रहा है जितना अप्रिसिएशन मिल रही है आई एम वेरी हैप्पी. जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखा बस का एक आपने डाला था स्टोरी पे जिसमें फोन लगी थी. कैसा लगता है भाई वही बस है जिसमें हम सफ़र करते हैं जिसमें अपने. बहुत अमेजिंग लगता है जब आप बॉम्बे आते हो तो मुंबई आते हो आपको सबसे पहले यही खुशी होती है कि आपका सपना ही होता है कि किसी दिन मेरे वोटिंग लगे हैं. मेरा कोई शो ऐसा है जो हर जगह लोग देखें जिसके बारे में जाने. वो जौहरी वन सच शो जो कि एम एक्स प्लेट पर मतलब बहुत अच्छे से छाया हुआ है. इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है और दैट्स व्हाई देयर वाज सच अ ग्रेट प्रमोशन एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. अगर बात करो अपनी कैरेक्टर तो किस तरह किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं? यार इट्स अ गुजराती बिजनेसमैन रोल. इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द रोल ऑफ नीरव मोदी. इट्स इंस्पायर्ड. इट्स नॉट एन एग्जैक्ट एडाप्टेशन बट द इंस्पिरेशन इज दैट गाय. एंड उसकी लाइफ की जर्नी को थोड़ा ड्रामेटाइज करके हमने एक जौहरी करके एक प्रॉपर एक फिक्शनल सीरीज बनाया है जो कि 30 एपिसोड्स का सीरीज है और एमएक्स पे हर फ्राइडे उसके एपिसोड्स लॉन्च हो रहे हैं. जी सर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अगर अभी आप जौहरी मतलब असली हीरा पहचान जाएंगे? असली हीरे की पहचान तो जिंदगी करा ही देती है पॉइंट के बाद. जब बहुत सारे नकली हीरे जिंदगी से जाते हैं तो असली की पहचान खुद हो जाती है. काफी अनुभव लग रहा है ऐसा कुछ हादसा बता दें जिससे आपको काफी कुछ समझ में आ चुका. पर्सनल हादसे नहीं बताना चाहूंगा. सर आप बिग बॉस में भी थे अभी बिग बॉस 17 चल रहा है. आपको क्या लगता है कौन विनर हो सकता है? यार ऑनेस्टली मैंने बिग बॉस ज्यादा फॉलो किया नहीं क्योंकि मैं 4 महीने से पश्मीना के शूट पे था जो कि सोनी सब पे चल रहा है और उसको भी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. तो वेरी हैप्पी कि एक साथ दो दो शोज मेरे जौहरी और पश्मीना दोनों ही मार्केट पे छाए हुए हैं. एंड
दोनों ही बहुत ही अलग एक्सट्रीम किरदार हैं. एक बहुत ही हैंडसम बिजनेसमैन का रोल है और एक एक बिल्कुल ही गुजराती नीरव मोदी कैरेक्टर का रोल है. तो दोनों को बहुत अलग प्यार मिल रहा है. एंड चार महीने से मैं कश्मीर में था तो मैं ज़्यादा बिग बॉस फॉलो ही नहीं कर पाया. और मैं अभी कल ही वापस आया हूँ मुंबई. तो अब जाके मैं थोड़ा सा कैचअप करूँगा और उसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा. जिस तरीके से आपने कहा कि दोनों काफ़ी डिफरेंट, किस तरीके की आपकी तैयारी इन दोनों कैरेक्टर को बैलेंस करने की? बहुत डिफरेंट थी यार. नीरव वाला कैरेक्टर, जो नीरज का कैरेक्टर है, उसको प्ले करने के लिए मुझे 14-15 किलो वेट गेन करना पड़ा. आई हैड टू कट माई ओन रियल हेयर. आई हैव टू मेड दैट लुक दैट ही हैज ऑफ बॉल्डनेस. आई हैड टू कम्प्लीटली चेंज माई बॉडी लैंग्वेज, कम्प्लीटली चेंज माई थिंकिंग, माई डाइट, माई एवरी थिंग. पूरी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ी टू बिकम दैट कैरेक्टर. क्योंकि वरना एक 6 फुट का आदमी लगेगा नहीं कि वो एक दिमाग से चलने वाला एक डरपोक आदमी है. जो कैरेक्टर है मेरा, जो दिमाग से चलता है डरपोक, लेकिन दिमाग से चलता है और बहुत शातिर है. तो वैसा बनने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी. और उसके बाद जब मैं अपने नॉर्मल रूप में आया तो पश्मीना का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी मेरे लिए ऑथर बैक टाइप से है. वो जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही है एक तरह से. तो दैट्स इजी फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म इन टू. सर, ये दोनों के बाद आपको किस तरह का ऑफर हो रहा है इस समय? यार अभी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स आ रहे हैं मेरे पास ऑफर में, जो कि सब वैसे हैं जो जैसे लोगों ने जब से देखा है जौहरी को तो उनको समझ में आ गया है कि मैं सिर्फ एक हैंडसम गुड लुकिंग गाय का कैरेक्टर ही नहीं, मैं एक बहुत ही अलग डिफरेंट कैरेक्टर भी प्ले कर सकता हूँ. तो अब मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स के रोल्स ऑफर होने शुरू हैं, जिसकी एक मीटिंग मेरी आज भी है इसके बाद, डबिंग के बाद. एंड आई होप दैट हैपन्स, बिकॉज वो कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल मेरे जैसा नहीं दिखता है. और वही मेरा चैलेंज है कि जो मेरे जैसा नहीं दिखता है मुझे वैसा दिखना है. सर, आज यहाँ आने की क्या खास वजह? आज मैं एक डबिंग के लिए आया हूँ यहाँ पे. एक नया वेब सीरीज आने वाला है मेरा, प्लॉट 1/2. एक नया चैनल लॉन्च होने वाला है महिंद्राज का, एपिक ऑन करके, जिसका विषय टट्टू बास भी आपने देखा होगा, फोर्डिक लाइव, उसी चैनल का है. तो उसका लॉन्च, प्रॉपर लॉन्च जनवरी में है. तो लॉन्च के साथ मेरा सीरीज लॉन्च हो रहा है प्लॉट 1/2. उसकी कुछ फाइनल डबिंग थी वो मैं करने आता हूँ. थैंक यू. बाय बाय. निशांत मलकानी है. निशांत, अरे भाई यार बस हो गया, उधर बैठा.